हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो ग्रुप डी एम्प्लॉय का बेसिक पे है वो 18,000 रुपये है, लेकिन इसको बढ़ा के 32,500 करने की जो डिमांड है वो यहाँ पे हो रही है। और फ्यूचर में आपकी जो ग्रुप डी की सैलरी है वो बहुत अच्छी मात्रा में इंक्रीज़ होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करते हैं कि जो ग्रुप डी का बेसिक पे है वो 18,000 से 27,000 होगा या फिर 18,000 से सीधा 32,500 होने वाला है। ऑफिशियल अपडेट लेकर आया हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं सिर्फ ग्रुप डी को लेकर ही चीज़ें आपको समझाऊंगा, बाकी अगर सैलरी बढ़ेगी तो वो सभी एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, चाहे आप एनटीपीसी में हैं, लोको पायलट में हैं, सभी की सैलरी बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मोस्टली ग्रुप डी वाले हैं, इसलिए मैं ग्रुप डी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो देखो, अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हो तो इस बात से तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि आपका जो डीए के रेट्स हैं वो साल में 2 बार बढ़ते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। अगर मैं अभी प्रेजेंट डीए रेट्स की बात करूं तो अभी 1 जुलाई 2023 से जो डीए के रेट हैं वो 46% हो गए हैं, और 1 जनवरी 2024 को ये जो आपके रेट्स हैं ये 50% को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, नो डाउट कि आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। और जब 50% डीए के रेट हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, देखो जब 2016 में ये 7th पे कमीशन का जब गठन हुआ था तो उसमें एक बात लिखी गई थी कि जब डीए के रेट 50% को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि 50% के ऊपर जैसे ही चले जाएंगे, तो जो आपके डीए हैं उसको बेसिक में मर्ज किया जाएगा। ये बातें आपका जो 2016 में ही 7th पे कमीशन का जो गठन हुआ था उसके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं कि जब आपका 50% डीए क्रॉस हो जाएगा तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। अब देखो, क्योंकि आपका जो डीए है वो 1 जनवरी 2024 में जो है वो 50% को क्रॉस कर जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जैसे आपका 18,000 रुपये ग्रुप डी का बेसिक पे है तो उसमें लगभग आपका यहाँ पर जो है ये 9,000 रुपये जो आपका 50% के अकॉर्डिंग बनता है ये 18,000 में जुड़ जाना है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो 27,000 हो जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो 7th पे कमीशन को जो आगे रिवाइज करने की नहीं सोच रही है, यानी कि 8th पे कमीशन जो आना था 10 साल बाद उसका गठन 2 साल पहले करना होता है। ठीक है, तो अभी 24 में गठन होगा तब जाके वो 26 में लागू होगा। तो यहां पे अभी क्या है कि सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग भी चला जाए, अगर 8th पे कमीशन ना भी आए तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो न्यूनतम बेसिक पे है वो 27,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो NFIR यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इनकी तरफ से यहां पर एक लेटर लिखा गया है। ये 25 अक्टूबर 2023 का लेटर है, ये नरेंद्र मोदी जी को सीधा लिखा गया है। न्यू दिल्ली में बोला गया, रिस्पेक्टेड सर, रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपवर्ड रिवीजन ऑफ मिनिमम पे। ठीक है, अब इस लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इन्होंने यहां पे सारी चीजें मेंशन की है कि द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ब्रिंग्स टू काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट पर्सन टू एक्सेप्टेंस 7th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द रिवाइज पे मैट्रेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 ड्यूली फिक्स मिनिमम 18,000 रुपये। यानी कि ये कह रहे हैं कि 2016 में जो आपका ये गठन हुआ था इसमें न्यूनतम जो बेसिक पे है उसको 18,000 रुपये रखा गया था। अब जो बेसिक पे है उसका निर्धारण कैसे होता है वो उस टाइम की महंगाई दर को देखते होता है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो 18,000 रुपये बेसिक पे रखा गया था ये 2016 की, अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे 1/1/2016 की 7 CPC के, जो उस टाइम पर महंगाई दर थी, गेहूं चावल का रेट क्या था, दाल का रेट क्या था, सब्जियों का रेट क्या था, चीनी का, तेल का, मछली का, मीट का, इन सभी के रेट को देखते हुए और निर्धारण किया गया था। पूरी कैलकुलेशन होती है इसके लिए और ये 17,993 रुपये था, इसको राउंड ऑफ करके 18,000 रुपये न्यूनतम जो है वो लेवल 1 कर्मचारियों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये यही बात बोल रहे हैं कि जो 18,000 रुपये आपने निर्धारित किया था उस टाइम पर, अब आगे बोला गया है नियरली 8 ईयर पास, कि लगभग 8 साल हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइज स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट येट कंसीडर फॉर वेज रिवीजन ऑफ सेटिंग 8th पे सेंट्रल, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट जो है उसने 8th पे कमीशन के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। यही बात है मैं आपको बोल रहा था कि 8th पे कमीशन अगर लाना होगा तो 2026 में वो लागू होगा, 2 साल पहले उसका गठन होगा, यानी कि 24 में वो आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो उसी की तरफ इन्होंने ध्यान देते हुए कहा है और इन्होंने कहा कि इन दिस कनेक्शन फेडरेशन ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC, यानी कि कह रहे हैं कि 7 CPC का जो डॉक्यूमेंट है उसका पैरा 1.22 में ये बात लिखी हुई है। ये पैरा भी इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, इसमें इन्होंने कहा है वही बातें जो मैंने आपको बताई है कि जो 8th पे का गठन है उसके बारे में बताई गई है चीजें, तो सरकार उसके बारे में नहीं बता रही है। तो अब यहां पर फेडरेशन ने क्या किया है, ये जो फेडरेशन है इन्होंने यहां पर जो है सारी चीजें डिस्कस की है, मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो देखो, यहां पर इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि या तो आप 8th पे कमीशन के बारे में कोई अपडेट दो, अदरवाइज इन्होंने यहां पर पूरी कैलकुलेशन करके और यहां पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने जैसे ये 18,000 रुपये बेसिक पे जो निर्धारित हुआ था 2016 में और उसी तरह से
महंगाई दर को देखते हुए यहां पर इन्होंने बताया है कि अगर महंगाई दर को देखते हैं तो 1 जुलाई 2023 शेल हैव नॉट टू बी लेस देन, यानी कि जो अब मिनिमम बेसिक पे है अगर महंगाई दर को देखें तो वो 32,500 रुपये बनता है कम से कम, जो कि 2016 में 18,000 रुपये था। अब देखो यहाँ पर ये NFIR जो है इनकी सीधा सीधा से डिमांड ये है कि भाई या तो आप जो है 7th Pay Commission में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जो DA के रेट्स हैं उसको बेसिक पे में मर्ज करो, या फिर 8th Pay Commission अगर आना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दो, और नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो महंगाई दर को देखते हुए जो बेसिक पे है वो 18,000 से 32,500 कम से कम आपका होना ही है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरा ये टेबल भी जारी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इन्होंने ये पूरा टेबल जारी करके भी बताया जिस तरह से 2016 का था, तो इन्होंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन दी है। 1/8/2023 की डेट है, यहाँ पर चावल गेहूं दाल वही बिल्कुल जैसे 2016 उसी तरह से इन्होंने सारी चीज़ें शुगर है फिश है मीट है उन सभी को कैलकुलेट करके इन्होंने बताया है कि अगर आप 8th Pay Commission नहीं भी लाते हो या अगर आप बेसिक पे को मर्ज नहीं करते हो तो कम से कम न्यूनतम बेसिक पे 32,500 रुपये तो अब बनना ही चाहिए, ठीक है ना। देखो 32,524 बन रहा है तो इन्होंने राउंड ऑफ करके 32,500 का है। तो देखो यहाँ से सीधा संकेत क्या मिलता है, ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंप्लॉयज की बात कर रहा हूँ लेकिन ग्रुप डी को लेके बताऊंगा। ग्रुप डी का भी बेसिक पे 18,000 रुपये है। यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही 50% को DA क्रॉस कर जाएगा तो 7CPC के अकॉर्डिंग इसमें आपके 9,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो बेसिक पे है मिनिमम वो ग्रुप डी का 27,000 रुपये बन जाएगा। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरा क्या होगा, अगर गवर्नमेंट जो है इसको लागू नहीं करती है तो गवर्नमेंट यहाँ पर 8th Pay Commission के बारे में बनाएगी, यानी कि 8th Pay Commission का गठन करेगी 2024 में, जो 2026 से लागू होगा। उसकी जो शर्तें हैं वो अलग होगी लेकिन उस कंडीशन में भी आपकी सैलरी 100% बढ़ेगी, ठीक है ना, कम तो होने से ही सैलरी आपकी बढ़ेगी। तीसरी कंडीशन क्या है, जैसे यहां पर इन्होंने NFIR ने बताया कि भी कम से कम 32,000 रुपए बेसिक पे होना चाहिए, तो अगर सरकार 8th Pay Commission भी नहीं लाती है और 7CPC के अकॉर्डिंग अगर बेसिक में DA को भी मर्ज नहीं करती है तो इन्हें कम से कम आपका जो DA रेट है वो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई दर के अनुसार ये आपके DA के रेट्स सॉरी ये आपके बेसिक पे के जो रेट्स हैं वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर है सभी एम्प्लॉयज के लिए, सैलरी तो आपकी हर कंडीशन में बढ़ने ही वाली है, सिर्फ ग्रुप डी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप केंद्र में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो सैलरी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, अच्छी खासी मात्रा में बढ़ेगी। तो ये सारी ऑफिशियल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप किस बारे में कोई भी राय कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।